जी टीवी का शो कुमकुम भाग्य काफी पॉपुलर है। शो में ट्विस्ट एंड टर्न्स और इसकी बेहतरीन स्टार कास्ट की वजह से सालों से ये शो ऑडियंस का पसंदीदा शो बना हुआ है। लेकिन अब शो की एक लीड एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी की खबर से काफी हड़कंप मच गया है। वेल, एक तरफ जहां इस एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी की खबर से सभी खुश हैं, तो इसी के साथ जल्द ही इनकी एग्जिट होने वाली है और इसी वजह से फैंस काफी निराश भी हो रहे हैं। पर हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो है शोमेरिया सिद्धार्थ कोहली का किरदार निभा रही एक्ट्रेस पूजा बनर्जी की। जी हाँ, कुमकुम भाग्य फेम एक्ट्रेस पूजा बनर्जी जल्द ही मां बनने वाली हैं। पूजा ने खुद इस गुड न्यूज को शेयर किया है। इस खुशखबरी से पूजा और उनका पूरा परिवार बेहद ही खुश है। पूजा ने बताया है कि ये उनका दूसरा महीना है और मार्च 2022 में वो अपने फर्स्ट बेबी को जन्म देंगी। आपको बता दें कि पूजा और उनके पति संदीप लंबे वक्त से अपने घर इस नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे। इस बारे में मीडिया को दिए इंटरव्यू में पूजा ने बताया, संदीप और मैं 2020 में कंसीव करना चाहते थे, लेकिन 2019 में नच बलिए के दौरान मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था और फिर इस प्लान को होल्ड करना पड़ा, पर अब दोनों बिल्कुल तैयार हैं। वहीं पूजा ने ये भी बताया कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। पूजा के मुताबिक वो कुमकुम भाग्य के सेट पर थी जब उनकी रिपोर्ट सामने आई। साथ ही उस दिन पूजा ने जब अपने पति को इस बारे में बताया तो वो खुशी के मारे नाचने लगे थे। फिर पूजा शादी के लंबे वक्त के बाद मां बन रही हैं। ऐसे में पूजा अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती और अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान देने के साथ इस खास पल को अच्छे से जीना चाहती हैं, जिसके लिए पूजा जल्द ही शो से ब्रेक लेने भी वाली हैं। जी, एक्ट्रेस ने खुद कहा है कि वो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहती हैं और उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो काफी वक्त से शो को छोड़ने का मन बना चुकी थी। हालांकि पूजा ने ये भी क्लियर किया कि शो में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है और ये उनका खुद का फैसला है। साफ है कि प्रेगनेंसी के कारण अब पूजा शो से जल्द ही ब्रेक ले लेंगी। आपको बता दें कि पूजा के किरदार को शो में काफी पसंद किया गया है। हालांकि अब जब शो से उनकी एग्जिट होनी पक्की है तो रिया के किरदार को मेकर्स शो में खत्म करते हैं या फिर किसी नई एक्ट्रेस से रिप्लेस करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी।